टिप्स। वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट foodconnectionsbymadhurika.com पर विजिट करें। फ्रेंड्स, आज हम मक्के के आटे से बनने वाला सूप बनाएंगे। यहाँ ये राजस्थान का फेमस मक्का की राब है। सर्दियों में बहुत ही शौक से लोग पीते हैं। इसे पीने से सर्दी जुखाम भी ठीक हो जाता है। ये बहुत ही हेल्दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन में छाछ डालेंगे। यहाँ ये छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमने मक्के का आटा डाला और इसे मिट्टी ने सिलाया और एक लंप फ्री बैटर को तैयार किया। इसे आप जब चाहे तब बना सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही फटाफट से बनने वाला सूप है। बच्चे और बड़े से बड़े शौक से पीते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक, जीरा और 250 ml वाटर ऐड करें और अच्छे से मिलाएं। अब इसे फ्लेम पर हाई फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दें और जब तक इसमें एक उबाली ना आए इसे कंटिन्यूस हिलाते रहें, वरना इसके अंदर लंप्स पड़ सकते हैं। हमारा सूप अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखिए, अब ये उबलने लगा है। अब इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। आप इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दें। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हमारा सूप इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, सूप अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब गैस बंद कर दें और इसमें फ्रेश धनिया डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। फ्रेंड्स, राजस्थान में सर्दियों में बहुत ही स्पेशली बनाया जाता है और बच्चे बड़े से बड़े शौक से पीते हैं। अब ये शादियों में भी बनने लगा है और मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इसे बनाएं और अपनी सर्दियां एंजॉय करें। थैंक यू।